नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। इस वर्ष बारिश समय से और अच्छी बारिश के होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान और तन मन धन से लगे हुए हैं, और जैसा कि किसानों के बीच जाकर किसानों से बातचीत के माध्यम से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष बारिश अच्छी होने से धान की रोपाई समय से हो रही है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल रही है, और जो धान रोपाई करने वाले लोग अपनी टीम बना रखी है, 150 रुपये से लेकर 160 रुपये के दर से एक बीघा 7 लोगों का पैसा लेकर लगा रहे हैं, और जो बेद काटते हैं वह भी 300-350 रुपये लेते हैं और धान रोपाई के लिए बेद काटकर पहुंचाते हैं, और खेतों को धान रोपाई के लायक कोई ट्रैक्टर से तो कोई बैलों द्वारा खेत तैयार करते हैं। आप लोगों को बता दें कि बारिश बीच में जब 3-4 दिनों के लिए रुक जाती है तो किसान बैलों या फिर ट्रैक्टर से जुताई कर तिल, उड़द, मूंग, अरहर, ज्वार, बाजरा की बुवाई भी कर लेते हैं किसान, और जुलाई अगस्त माह में किसानों को अटूट मेहनत करनी पड़ती है और खेतों में ही खाना पानी नसीब होता है, तब जाकर देश के 135 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था किसान कर पाते हैं, और जब किसानों के पास अनाज तैयार हो जाता है तो किसानों को अनाज की सही कीमत नहीं मिल पाती है। आए सुने क्या बताया किसानों ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। भाई साहब, जैसा कि देख रहे हैं आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये इसमें किस क्या चीज बोया जाएगा? इसमें उर्दा मूंग है, उर्दा मूंग के लिए। अच्छा, और धान के भी खेत में जाते हैं आप? हाँ, धान जाते हैं। ये आप किस हिसाब से इसकी जुताई करते हैं? जुताई इसकी है कि खेत जुड़वाने के लिए है, मतलब घंटा 600 रुपये है। 600 रुपये घंटा, प्रति घंटा। अच्छा, एक बीघा एक घंटे में कितना जुताई हो जाती होगी? एक घंटे में 2 बीघा चलेगा। दो बीघा। और ये धान वाले खेत में कितना समय लगता है? धान वाले में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। उसकी क्या होती है जुताई? उसकी जुताई है 1000 रुपये। अच्छा, 1000 रुपये प्रति घंटा। क्या नाम है आपका?